फाइटिंग पांडा, हाँ फाइटिंग पांडा। बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अगर जुगाड़ से भी काम नहीं चला तो फिर इसे वेल्डिंग करवाना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये इतना सड़ गया इस पे वेल्डिंग हो पाएगी। थोड़ी देर में सॉलिड हो जाएगा। ये तो काफी लेट हो गया, काफी ज्यादा, 12:15 बज गए। Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. सवेरे में आया ही 5 बजे, मगर नींद पूरी हो गई मेरी, लेट हुआ नींद पूरी हो गई, अब दिन भर फ्रेश रहेगा हमारा। यहाँ देखो, यहाँ तो रैम्बो टाइसन है ही नहीं, इसका मतलब रैम्बो टाइसन को अभी तक निकाला ही नहीं है। सोते रहो भाई, आराम से सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है माशाल्लाह। अभी उठ जाओ, मगर मैं आया हूँ तो। अरे उठ जाओ भाई सुल्तान, अरे सुल्तान उठ जाओ भाई, माशाल्लाह बहुत बढ़िया है सुल्तान, उठ जाओ। अभी सब लोग रिलैक्स मूड में, हाँ सारे के सारे, अच्छी बात है। ये देखो सब था ही इनके पास सब कुछ, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं होती है। चारा पानी तो होता है, मगर सवेरे सवेरे हम लोग चारा पानी के साथ साथ बाकी सप्लीमेंट भी तो देते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, 20 दिन लीवर टॉनिक कैल्शियम मिक्स करके, फिर 10 दिन मल्टीविटामिन, ये सारी चीजें देते हैं, तो उसके लिए आना पड़ता है। अगर नहीं आए, 1 बजे भी आए, डायरेक्ट पानी पिलाने का तो भी चलेगा। चलो अभी आ गए तो सब कुछ दे देंगे आपको। यहाँ देखो दोनों मस्त है, अभी आराम से रिलैक्स अजवा के साथ, सही है। रैम्बो टाइसन भी मजे से खा रहे हैं बरसिंग, सिर्फ रैम्बो टाइसन नहीं बाकी सबके सब खा रहे हैं। इनको खाने देते हैं इनकी बरसिंग, और हम भी खा लेते हैं हमारा नाश्ता। रात में 9 बजे के आसपास हमने हमारा खाना खाया था, उसके बाद अब नाश्ता करेंगे। क्या बात है भाई, एक्शन वाली दुनिया में जाने के बाद इतने काम होते हैं कि हमें खाने का पता होता है ना सोने का। क्या सीखे तुम बताओ? क्यूब सीख गए, सीखे तो ना जी। नहीं मैंने बोला था तुम्हारे को, अगर तुम ये सीख जाओगे तो तुम्हें जो चाहे वो मिलेगा, तो सीखने की कोशिश करो, बातें करने की नहीं। वैसे भी बातें बहुत करते हो तुम, मेरे दिखाओ मत, मेरे को दिखाओ मत, तुम करके पूरा सॉल्व करके दिखाओ। अच्छी बात तो यह है कि वो सीखने की कोशिश तो करती है, एक ना एक दिन आ ही जाएगा उसे, कोई भी एक कलर का सॉल्व कर देती है, मगर सारे का सारा क्यूब सॉल्व करने आना चाहिए। मैंने उसको वही बताया, जब भी आपा के बच्चे आते हैं उन्हें रूबी क्यूब सॉल्व करने आता, तो उनसे वो सीखने की कोशिश करती है। कितना सीखे? दो गए। तुमको पूरा सॉल्व करने का है पूरा? जब तक पूरा सॉल्व करेंगे नहीं तब तक गिफ्ट नहीं मिल जाता। मैंने बताया था माहिरा को, अगर ये सॉल्व करना सीख गए तो जो वो मांगेंगे वो हम देंगे, मगर जाहिर इस चीज याद है ना तुम्हें? नहीं नहीं याद है? हाँ हाँ बोलते नहीं बोलते, क्या बोलते? तुमको याद है? हाँ। चलो भाई हमें भी याद है, 1 बज गए, गोट रूम में जाकर पानी पिलाना पड़ेगा जानवरों को, अगर नहीं पिलाएंगे तो वो लोग और चिल्ला पुकार करेंगे। बस वेरी गुड वेरी गुड, सीखते रहो। अभी मैं जा रहा हूँ गोट रूम में पानी पिलाने, तुम ये सीखते रहो ठीक है? चलो भाई, ये तो चिल्ला पुकार शुरू हो जाएगी। पानी पिलाने से पहले रैम्बो टाइसन को बाहर ले लेंगे और अजवा को भी बाहर ले लेंगे। चलो भाई तुम लोग बाहर चलो, घूमते रहो बाहर, चलते रहो बाहर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रीजिंग ग्रीजिंग करते। ये देखो ये अजवा जी यहाँ पे रिलैक्स मूड में घूम रहे, चलो यहाँ से वहाँ चलो अजवा जी, ये मत खाओ तुम, पानी पिला के हो गया तभी भी घूम ही रहे, जाओ छाव में घूमो। मेरे को मारेंगे क्या अभी तुम? अजवा तो मुझे मार रही है। हाँ अजवा तो फुल एक्शन मूड में आ गई है, ये देखो ओए अजवा जी मुझे मारेंगे, फाइटिंग पांडा, हाँ फाइटिंग पांडा। चलो उधर देखो कहाँ पीछे जाकर, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मैंने क्या किया तुम सिर्फ हटाए वहाँ से। चलो तुमको अपने पास जो फीड है वो देता हूँ ना, ये क्यों खा रहे हो तुम? चलो अजवा जी तो फुल ऑन एक्शन मूड में आ गए, रैम्बो टाइसन तो फुल छाव में, यहाँ ठंडा लगता है इनको, अंदर रहते तो गर्म लगता है अभी फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल जब समर शुरू हो रहा है तब की बात कर रहे हैं, तो ठंडी में तो फिर ठंडा लगता था, हम लोगों को लाइट चालू करनी पड़ती थी, अभी भी हम लोगों को रात में लाइट चालू करनी पड़ती है। दिन में पूरी तरह से गर्म होता है, रात में ठंडी पड़ती है। ये अजवा जी को भी हम लोगों ने अंदर शिफ्ट कर दिया, अजवा जी ने तो क्या आतंक मचाया, आज मुझे भी नहीं छोड़ा, मुझे भी मारा है अजवा जी ने आज तो। अभी जो उस दिन हम लोगों ने कूलर कुछ चालू करके देखा था, चालू तो हो गया मगर नीचे से कहीं से फट गया है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा, तो उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ लाना पड़ेगा मार्केट जाके, तो सबसे पहले तो वो लेके आएंगे और कूलर को साफ करके अंदर शिफ्ट करने की तैयारी करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि हमको कूलर की जरूरत पड़ेगी, तो कूलर को हम लोग रेडी कर लेंगे। अगर उसमें कोई चीजों की रिप्लेसमेंट करनी पड़ी या बनाना पड़ा तो वो भी बना लेंगे हम लोग। और एक चीज मैंने मंगाई है ऑनलाइन अमेज़न से, कल या परसों आ जाएगी, वो भी फिट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कूलर को रिपेयर कर लेते हम लोग, ताकि हम लोगों को आगे के कामों में आसानी हो, और फिर फटाफट से ये हफ्ता निकल जाए और हमारी ये उंगली में जो रॉड्स है वो निकल जाए, तो बाकी के काम करेंगे हम लोग आगे बढ़कर। यार मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, मुझे बहुत कुछ कर रहा है, बस ये एक बार निकल जाए फिर उसके बाद बहुत कुछ होने वाला है। फिलहाल तो इसे यहाँ से निकालते हैं और इस पे काम शुरू करते हैं, साफ सफाई का और दूसरा वाला। माही जी क्या तुम तैयार हो मेरे साथ काम करने के लिए? हाँ। चलो फिर चलो मेरे सोल्जर।
ये देखो मेरा सोल्जर वहाँ चला गया मार्केट से जो जो लेके आना मैंने तो वो लेके आ गया। सबसे पहले तो MC लगाएंगे यार, जहाँ से वो फटा है ना उधर। और ये घास भी लेके आ गए हम लोगों ने कूलर के लिए। माही जी उधर किधर, इधर आओ जी, ये लो तुम भी आ गए मेरी मदद के लिए, वेलकम। चलो पहले इसको यहाँ से निकालेंगे माही जी, कूलर को यहाँ से निकालना पड़ेगा माही जी, आराम से मैं निकालता हूँ। माही जी यहाँ तो अंजर पंजर निकल गए सारे कूलर के। हाँ ये देखो साइड के सारे जो जालियाँ होती है जिस पर हम लोग घास लगाते हैं वो निकल गए। यहाँ पे हमारी जो मोटर है वो तो एकदम परफेक्ट है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं, मगर बॉडी जो है नीचे से एक जगह से पूरी फट गई है। ये देखो ये पूरा होल पड़ गया है इसमें। अब ये होल ऐसा ही रहा तो इसमें पानी कैसे रुकेगा? अब इसके लिए कुछ ना कुछ हमें हिंदुस्तानी जुगाड़ करना पड़ेगा। तुम लोग ये साफ करते रहो, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। ये देखो क्या हालत हो गई है इसकी, जुगाड़ तो करना पड़ेगा, जुगाड़ के बगैर तो कुछ होने नहीं वाला। अगर जुगाड़ से भी काम नहीं चला तो फिर इसे वेल्डिंग करवाना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये इतना सड़ गया इस पे वेल्डिंग हो पाएगी, मगर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जुगाड़ की शुरुआत हो चुकी है, कैसा है हमारा जुगाड़? अभी तो बस शुरुआत हुई है, इनकी साफ सफाई यहाँ चल रही है और हमारा काम यहाँ चल रहा है। ये पतरे में से एक छोटा सा पतरे का पीस काट के उसको स्ट्रेट करके हमने वहाँ पर सरफेस पे रख दिया, सरफेस कवर हो गया। अभी वो सरफेस को पैक करेंगे हम लोग हमारे, वो क्या लेके आए थे हम लोगों ने यार, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, घास नहीं वो। अरे वो चिटकता है ना एमसील से। अब ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, सही लग रहा है, अभी हार्ड तो हो गया ये पूरा, अभी इसे फाइनल टच दे देंगे तो ये फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जब तक ये हार्ड हो रहा था तब तक हम लोगों ने ये जो साइड की जालियाँ है इसके ऊपर घास लगा दी हमने, चारों की चारों पे लग गई। उसको फाइनल टच दे देंगे, फिर पानी डाल के चेक कर लेंगे पानी लीक तो नहीं हो रहा है, अगर पानी लीक नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, अंदर शिफ्ट कर देंगे हम लोग। पहले इसे फाइनल टच तो दे दे, तो 5:10 कम है हमारा फाइनल टच देते तो शायद घास वाले का भी फोन आ जाएगा और हम लोगों को फिटिंग डालने के लिए भी जाना पड़ेगा अंदर। तो फटाफट ये फाइनल टच खत्म करते हैं और बाकी ये काम भी कर लेते हैं, आज तो इसका काम कर ही रहे। तो ये हो गया हमारा फाइनल टचअप कम्प्लीट, और जैसे ही हमारा फाइनल टचअप हो गया ये दोनों भी बाहर आ गए साफ करने के लिए पूरा साफ कर दिया माशाल्लाह ये लोगों ने। हाँ मैं भी चला गया था बरसिंग लेके आने के लिए, बरसिंग वाले भाई का फोन आ गया था, अच्छा हुआ कि मेरा पूरा फाइनल टच कंप्लीट हुआ उसके बाद उनका फोन आया, तो मैं फटाफट चले गया और ये बरसिंग लेकर आ गया। अब बस ये रूम क्लियर कर देते हैं और फिर फीड डाल देते हैं। क्या टाइम हो गया, 5:23 हो गए, 5:23, फटाफट ये रूम क्लीन करते और फीड डाल देते जानवरों। चलो भाई गेट रेडी, माशाल्लाह सुल्तान इज ऑलवेज रेडी। चलो भाई ये तो बिजी हो गए फीड में, और आज तो हालत खराब हो गई भाई, वो कूलर को रिपेयर करते करते आज तो नॉन स्टॉप काम किया हम लोगों ने, जैसे उठे उसके बाद से अब तक कर ही रहे। तुम लोग खाओ भाई हम तो जा रहे हैं, आराम से खड़े हो गए। एक कोना हम लोगों ने सही किया तो ये वाला कोना और ये वाला कोना, जब हमने ठोक बजाकर चेक किया तो देखा वहां पर भी थोड़ा थोड़ा खड्डा पड़ गया है, यानी कि ये पूरा ही काम से गया है। देखेंगे थोड़ा थोड़ा इसको MC लगाएंगे, पानी रुक गया तो ठीक है, नहीं रुका तो सिर्फ इसकी हवा लगेगी। और वैसे भी हम लोग ने जो ऑनलाइन ऑर्डर किया है वो कुछ अलग चीज़ है, उसमें अगर फैन भी रहेगा ना तो काम हो जाएगा हमारा, फैन तो इसका चल रहा है तो वो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हम लोग यूज़ कर लेंगे। अभी पहले देखते तो है हो रहा है या नहीं हो रहा है, बाकी की तो कहानी आपको पता चली। ये क्या बना है माही जी? ये इतना पतला केक, ब्राउनी इतना पतला, अब ये फूलेगा उलेगा क्या? नहीं। अच्छा ये बना कौन रहा है माई जी? सब लोग मिलके बना रहे, अगर ये खराब बना ना तो नहीं खाएंगे। हाँ पहले बता रहे, अच्छे से बनाओ फिर खाएंगे, ठीक है फिर गोल्ड रूम में जा रहे हैं हमको। रात के 9 बजने आ गए, माही जी तुम्हारी ब्राउनी तो बन गई अच्छी फूल गई है तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया, टेस्टी तो रहेगी ना माही जी? हाँ। देखेंगे खाकर, खा लेंगे। जब ये ब्राउनी बन रही थी तो हम लोग हमारे गोट रूम में काम कर रहे थे, और गोट रूम में क्या काम कर रहे थे दिखाता हूँ, गोट रूम का हमारा वाइंड अप जो था वो कर रहे थे हम, और ये कूलर को भी हमने यहाँ शिफ्ट किया, मगर इसमें हमने पानी डाला और चेक किया और पानी लीक हो रहा है इसका। ये देखो इसका मतलब ये कि दोपहर से जो शाम तक मेहनत कर रहे थे इसका जो पानी लीक होगा उसको बंद करने के लिए, वो हुआ ही नहीं। चलो खैर ये तो रुका नहीं, मगर हम लोग ने जो चीज ऑनलाइन ऑर्डर की है उससे बड़ी उम्मीद है हमारी, उससे हमारा काम बन जाएगा इंशाल्लाह, वो आएगा तो फिटिंग करेंगे और बताएंगे आपको, अगर उसका फायदा हुआ तो भी बताएंगे, नहीं फायदा हुआ तो भी बताएंगे। चलो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं मैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। चलो जाने का वक्त आ गया हमारा, तुमने इतना सारा फीड खाया नहीं अभी तक, कभी कभी इतना खाते हो कभी कभी छोड़ देते हो, क्या दिक्कत है भाई? रैम्बो टाइसन तुम दोनों खुश तो हो अपनी माँ के साथ रहकर, अब क्यों खुश नहीं रहोगे तुम, बहुत खुश होगे। अरे सेठ जी तो ख़त्म कर दिए,
सेठ जी हमेशा गुस्से में रहते हैं। क्या बात है भाई, यहाँ तो हमारे लिए ये ब्राउनीज आगे जो बनाए हुए थे, खा के देखना पड़ेगा ना तो बच्चों को नाराज हो जाएंगे। एक्शन वाली दुनिया से फोन आ गया, उधर देख लेते पहले और फिर खाते केक। हेलो, यानी कि ये पूरा ही काम से गया, देखेंगे थोड़ा थोड़ा इसको और वो क्या बोलते हैं उसको, फिर भूल गया, हाँ एमसिल, एमसिल लगाएंगे।